अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इवैल्यूएट करेंगे सरफेस इंटीग्रल्स को, जो कि एक्सरसाइज सेट 15.5 है। इसमें डिफरेंट टाइप्स के सरफेसेस होते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, आपको फंक्शन दिया हुआ है, जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। दूसरा सरफेस है वाई, इट्स अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड जेड, एंड एक्स अ फंक्शन ऑफ वाई एंड जेड। तो इट डिपेंड्स ऑन दैट, जो आपको फंक्शन गिवन होगा उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला आएगा, ठीक है। तो जिस तरह ये है आपके पास फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है, जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो अगर आप इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में चेंज करें, यू आपके पास एक्स होगा, वी आपके पास वाई होगा, ठीक है। और हम इसको आर जो है वेक्टर वैल्यूड फंक्शन को हम लिखेंगे u x ऑफ i प्लस y ऑफ j, और जो z होगा वो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे है, तो हम इसको इन टर्म्स ऑफ u लिख देंगे, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि आपने पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है r को विद रिस्पेक्ट टू u और विद रिस्पेक्ट टू v करना है, ठीक है। उसका आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, और फिर उसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो कुछ केसेस में आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा। कुछ केसेस में आप स्ट्रेट अवे ये फार्मूला यूज कर सकते हैं कि पार्शियली डिफरेंशिएट करें जेड को विद रिस्पेक्ट टू एक्स और जेड को विद रिस्पेक्ट टू वाई, जब आपके पास फंक्शन सरफेस इस टाइप की हो। जैसे ही सरफेस चेंज होती है, ये पार्शियल डेरिवेटिव भी चेंज होंगे, ठीक है। तो फिर आपके पास ये जो सरफेस इंटीग्रल है, ये किसके इक्वल हो जाता है, एक्स एज इट इज, वाई एज इट इज, और हमने एक्स जेड की जगह पे एक्स एंड वाई लिख दिया, ठीक है। हमने ये जो यू और वी में ट्रांसफॉर्म किया था ताकि हम इजीली इसको कैलकुलेट कर सकें या इसको कैलकुलेट कर सकें, वो आप इसको यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दें। तो अगर आपके पास ये इजीली इस फॉर्मेट में आ जाता और आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो आप ये वाला फार्मूला यूज करें। अदरवाइज आप इसको ट्रांसफॉर्म कर दें इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी में, और ये भी सारा यू एंड वी में चेंज हो जाएगा, फिर आप उसको उससे सॉल्व करें। अगर आपके पास फंक्शन बन जाए एक्स और जेड का जो कि वाई में, तो देखें पार्शियल डिफरेंशिएशन चेंज हो गई, वाई हम पार्शियल डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पे वाई की जगह पे वो वाई का फंक्शन आ गया। अब आपके पास सरफेस इस फॉर्म की हो, फंक्शन ऑफ वाई एंड जेड हो, तो देखिए फिर आपने एक्स को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो ये आपने फॉर्मूले यूज करने हैं। चलते क्वेश्चंस की तरफ। फंक्शन आपको गिवन है इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, और जो आपके पास सरफेस है सिग्मा इज द पोर्शन ऑफ द कोन, वो क्या चीज है, इस कोन का एक पोर्शन है बिटवीन द प्लेन जेड इज इक्वल टू वन एंड जेड इज इक्वल टू टू। अगर आप देखें, अगर आप 3D में, यूजुअली ड्रॉ करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप 3D में ड्रॉ करें तो ये आपका बनता है जेड, ठीक है, सरफेस एरिया जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला, ठीक है। अब इस कोन का वो कह रहा है कि जब जेड इज इक्वल टू वन हो और जेड इज इक्वल टू टू हो, तो इनके दरमियान में जो एरिया आता है, ठीक है, वो आपका सरफेस एरिया आपने कैलकुलेट करना है। तो जेड इज इक्वल टू वन, ये इस तरह का प्लेन बनेगा। अब ये प्लेन जब इसको कट करता है 2 के ऊपर और यही कट करेगा 1 के ऊपर, ठीक है, तो चूंकि ये कोन है, जब कोन को आप कट करते हैं कहीं पे भी, तो वो क्या चीज बनाती है, सर्कल बनाती है। फॉर इंस्टेंस आप यहाँ पे जेड की जगह पे 1 पुट करते हैं तो एक सर्कल बनता है, जब जेड की जगह पे 2 पुट करते हैं जेड स्क्वायर दैट मीन्स 4, तो ये आपके पास ये सर्कल बनता है। तो सर्कल ऑफ रेडियस 1 एंड सर्कल ऑफ रेडियस 2 के दरमियान जो सरफेस एरिया है वो आपने कैलकुलेट करना है यूजिंग दी फॉर्मूला। तो हमने फॉर्मूला, हमें पता है यहाँ पे एफ होता है, एफ की जगह पे हमने उसकी वैल्यू लगा दी है जेड स्क्वायर,
फिर z स्क्वायर किसके इक्वल है, वी ऑलरेडी नो z स्क्वायर इज इक्वल टू z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो वहां से अगर हम दोनों साइड पर स्क्वायर लें हमारे पास z ये आ जाएगा। अब फिर हमने क्या करना है, x z को हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, तो ये हमारे पास z है इसको आप डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो बाय फार्मूला 1 डिवाइड बाय 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो फिर हम इन साइड वाले का डेरिवेटिव लेते हैं, इन साइड हमारे पास वाई स्क्वायर तो एज अ कॉन्स्टेंट डील होगा, एक्स का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाता है, सो दिस इज व्हाट वी गेट, क्योंकि ऑलरेडी एक x यहाँ पे होता है, सॉरी अभी आपके पास आ गया x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि हमने इसका स्क्वायर लेना है, फॉर्मूले के मुताबिक जब स्क्वायर ले लेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर हो गया और यहाँ से स्क्वायर रूट हट गया। इसी तरह वाई के लिए इन टर्म्स ऑफ विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो ये आ जाता है और ये प्लस वन फार्मूले को आ गया। अब जब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है आप इसका एलसीएम ले लें, ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, तो ये 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 टाइम्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है तो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट और नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही है, तो ये कैंसिल आउट होके आपके पास सिर्फ स्क्वायर रूट रह जाता है और ये एज इट इज आ गया। अब ये जो पोर्शन कटा हुआ, ये जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है इसका जो इमेज बन रहा है एक्स वाई प्लेन के ऊपर वो क्या चीज है, वो एक सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एट स्क्वायर इज 4 है तो 4 का स्क्वायर 2 आ गया। अब सर्कल को अगर आप देखें वो कौन की बात करें तो ये कंप्लीट सर्कल की बात हो रही है, जब हमने इसको चेंज करना हो पोलर कोऑर्डिनेट्स में आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है लेकिन इस तरह थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आएंगी इंटीग्रेशन में, तो आप इसको पोलर में चेंज कर दें, अगर हम इसको पोलर में चेंज कर दें तो पोलर में हमें पता है कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं डी ए को जब हमने चेंज करना है डी आर में तो ये बन जाता है आर डी आर डी थीटा, और यहाँ जो है आपकी थीटा की लिमिट्स आ जाती है और यहाँ पे आर की लिमिट्स आ जाती है। यहाँ पे मिनिमम आर क्या है, मिनिमम आर जो कोण हम जो पोर्शन हम ले रहे हैं जेड इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 1 के लिए दो सर्कल बन रहे हैं, तो उसमें मिनिमम r कौन सा है 1 और मैक्सिमम r कौन सा है 2, और चूंकि कंप्लीट सर्कल है तो 0 से लेकर 2 पाई तक आपका एंगल हो जाता है। अब इसको ट्रांसफॉर्म करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, किसके इक्वल है आर स्क्वायर के इक्वल है, तो यहाँ पे हम आर स्क्वायर लिख देते हैं, ये स्क्वायर रूट एज इट इज आ जाएगा स्क्वायर रूट 2, ठीक है और यहाँ पे जो R है वो जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो आपके पास ये फॉर्मेशन बन जाती है। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन है, अब इसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू R, R 4 पावर 4 फ्रॉम 1 टू 2 और 0 टू 2 पाई, ये इंटीग्रेशन एज इट इज रहेगी, हमने विद रिस्पेक्ट टू R इंटीग्रेट कर दिया, ये बन जाएगा 1 ओवर 4 लिमिट्स लगा दें 2 का स्क्वायर सॉरी 2 पावर 4 माइनस 1 पावर 4 सो 1 बाय 4, 2 पावर 4 इज 2 टू 4 4 8 8 16 माइनस 1 तो दिस बिकम्स 15 बाय 4, ठीक है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 बाय 4 इंटू 15, ठीक है और इंटीग्रेशन है 0 से 2 पाई डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे
तो 15 स्क्वायर रूट 2 बाय 4 और आगे जो आएगा वो थीटा आएगा इसकी इंटीग्रेशन, और थीटा पे लिमिट है 0 से 2 पाई, तो जब आप थीटा के ऊपर लिमिट लगा देंगे 0 से 2 पाई वो आएगा 2 पाई माइनस 0। अब दैट मींस कि ये चीज अब ये इसके साथ कट जाएगा तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन जो है उसके मैं जरा क्विकली गो थ्रू करूंगा। अगेन आपके पास फंक्शन गिवन है, प्लेन गिवन है, ठीक है, पोर्शन ऑफ प्लेन एंड दैट इज इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। इसका मतलब है कि आपके पास एक्स भी जीरो है, मिनिमम एक्स, मिनिमम वाई भी जीरो है, ठीक है, और उसके बाद ये प्लेन है आपके पास। जब आप इसमें जेड को जीरो पुट करेंगे क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेंट में, तो यहाँ पे अगर हम जेड को जीरो पुट कर दें तो हमारे पास बन जाएगा ये 1 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हमारे पास ये रीजन बन जाता है। जब आप इसको ड्रॉ कर देते हैं, इस चीज को ड्रॉ कर देते हैं, तो हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर रीजन बनाता है, ट्राइंगुलर रीजन बनाता है। ठीक है, अब अगेन फार्मूला में ये है, हम एक्स वाई हमने लिख दिया, हमें डी एस चाहिए। अगेन एक्स हमारे पास है, जेड हमारे पास सॉरी यहाँ पे है, इसको हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करें तो माइनस वन, विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करें तो भी माइनस वन, इनका स्क्वायर लेंगे तो ये प्लस वन हो जाएगा। फॉर्मूले में पुट करेंगे तो वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन, हमारे पास इसको रूट थ्रू आ जाएगा, थ्री आ जाएगा फॉर्मूले से। इसको बाहर निकाल दें, अब आपके पास जो लिमिट्स हैं वो है एक्स इज इक्व टू जीरो क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेंट में, वाई इज इक्व टू जीरो और एक्स प्लस वाई इज इक्व टू वन, तो आप किसी भी एक को यूज कर सकते हैं। अगर मैं एक्स को वाई को जीरो पुट कर दूं तो एक्स क्या आएगा वन, तो एक्स को मैंने फिक्स कर दिया, एक्स जीरो से वन पे आ गया और वाई जो है वो जीरो पे, और दूसरी उसकी लिमिट यहां से आएगी वाई इज इक्व टू वन माइनस एक्स, तो वाई को मैं वेरी कर रहा हूँ, एक्स को मैंने फिक्स कर दिया। तो बाकी सिंपल इंटीग्रेशन है, आई होप कि आप लोगों को ये आती होगी। एक्स और चूंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो वाई स्क्वायर बाय टू आ जाएगा, हम उसकी लिमिट्स पुट कर देंगे, ठीक है, और फिर उसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे अगेन फ्रॉम जीरो टू वन। एक्स ये वाला एज इट इज आएगा, इस वाई की जगह पे हमने पुट कर दिया वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर और फिर माइनस जीरो डी एक्स, इसका मतलब है ये, इसके स्क्वायर को ओपन करें तो आ जाएगा एक्स, और ये साथ एक्स मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दें सेपरेटली और इसमें वैल्यूज पुट कर दें, यू शुड बी एबल टू फाइंड आउट दिस आंसर। क्वेश्चन थ्री में फंक्शन गिवन है, पोर्शन ऑफ द सिलेंडर गिवन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये देखिए चेंज होगा, वाई इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ एक्स एंड जेड, तो फॉर्मूला भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। एंड दिस इज बिटवीन द प्लेन वाई इज इक्वल टू जीरो एंड वाई इज इक्वल टू वन एंड अबव द एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन जब से ऊपर है तो दैट मीन्स जेड या जीरो है या जीरो से अबव है। तो अब इसको जो हमने सॉल्व करना है, इसको हम इजीली सॉल्व नहीं कर सकते यूजिंग एक्स एंड वाई, तो हम इसको क्या कर देते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म में ले जाते हैं। हमारे पास एक्स क्या था, यू, वाई हमने कहा हुआ था कि वी, और जी ऑफ एक्स वाई या जो जेड था हमने इसको लिखना था जी ऑफ यू एंड वी, ठीक है। अब अगर आप देखें, दिस इज अ सर्कल विद रेडियस वन, तो सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशन हमें ऑलरेडी पता है कि उसमें एक्स हमारे पास क्या होता है, कॉस थीटा, क्योंकि हम यहाँ यू की बात करें तो ये कॉस यू हो जाएगा, वाई जो है वो वी ही रहेगा, और चूंकि इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड जेड, जेड का है इसीलिए हम जेड को क्या करेंगे, साइन यू कर देंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे तो वन के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास आर आ गया। अब यू की जो बात हो रही है, जो पैरामीटराइजेशन है वो जीरो से पाई है, जीरो से पाई क्यों है,
क्योंकि ये कहा हुआ है कि अबव द एक्स वाई प्लेन, ठीक है, इसका मतलब है कि जेड नेगेटिव नहीं हो सकता, जब जेड अगर ये हमारे पास एक्स जेड और एक्स प्लेन हो, ठीक है, तो ये आप नेगेटिव साइड पर नहीं आ सकते, तो ये क्या बन जाता है, हाफ सर्कल बन जाता है। हाफ सर्कल मीन्स यू की लिमिट क्या है, जीरो से पाई, और वी चूंकि वाई है तो वाई की लिमिट उसने ऑलरेडी कहा हुआ है कि इट शुड बी बिटवीन वाई इक्वल टू जीरो एंड वन, तो वहां से आ गया। अब हमने क्या करना है कि यू को डिफ्रेंशिएट करना है आर को विद रिस्पेक्ट टू यू, को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू यू, तो ये दोनों आ गए, ये चूंकि कॉन्स्टेंट है तो ये जीरो आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू वी करेंगे तो सिर्फ ये आ जाएगा, ये दोनों कॉन्स्टेंट डील होंगे तो वो जीरो आ जाते हैं। दोनों हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट मीन आप इसका ये निकाल दें, यू आपके पास है माइनस साइन यू जे जीरो है और कॉस यू, इसी तरह वी में क्या है आपके पास, ये भी जीरो, ये वन और ये जीरो, तो इसका आप डिटरमिनेंट निकालें, ठीक है, दिस थिंग। अब इसका जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड में हम इसका स्क्वायर लेते हैं प्लस इसका स्क्वायर लेते हैं और इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर यू प्लस साइन स्क्वायर यू बाय द फॉर्मूला दिस इज इक्वल टू वन और वन का स्क्वायर रूट इज वन, तो ये हमारे पास ये आ गया। अब इस इंटीग्रल के फॉर्मूले में हमने एक्स को रिप्लेस किया किस चीज के साथ, कॉस स्क्वायर के साथ, वाई को हमने यू वी के साथ रिप्लेस किया, और जो डी एस था ये वाला वो इस फॉर्मेट में आ गया सिंपल डी यू डी वी, क्योंकि जो स्क्वायर रूट था ये वाली चीज बाय फॉर्मूला इज वन, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। बाकी सिंपल इंटीग्रेशन है और सिंपल तो नहीं है लेकिन यू कैन ट्राई इट, हम स्क्वायर को नहीं कर सकते इसीलिए हम इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं फॉर्मूले में वन प्लस कॉस टू यू बाय टू के फॉर्मूले पे, ठीक है, उसको स्प्लिट कर दिया, फिर उसको आप इंटीग्रेट करें अलग अलग, साइन में आ जाएगा और एक्स में आ जाएगा, फिर इसके अंदर आप वैल्यूज पुट कर दें, ठीक है, माइनस, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाता है सिर्फ पाई बाय टू। अब वी पाई बाय टू आ जाएगा और फ्रॉम जीरो टू वन, ठीक है, डी वी इसको इंटीग्रेट कर दें, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वी एंड सिंप्लीफाई कर दें, यू शुड गेट दिस आंसर। फोर में अगेन फंक्शन गिवन है, अब यहां पे क्या दिया हुआ है, स्फीयर दिया हुआ है ऑफ रेडियस फोर सो एंड इट्स अबव द प्लेन जेड इज इक्वल टू वन, अगर इसी प्लेन में जेड को हम वन पुट कर दें हमारे पास यह आ जाएगा, दैट मीन्स कि इसका जो प्रोजेक्शन है एक्स वाई प्लेन के ऊपर वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री, विच इज अ सर्कल ऑफ रेडियस स्क्वायर रूट थ्री का, ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर दें इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई, ये हमारे पास फंक्शन बन गया फॉर्मूले के लिए रेडी, अब इस फॉर्मूले में ये एज इट इज आ गया, इस जेड की जगह हमने इसकी वैल्यू लिख दी है, ठीक है, और हमने वही चीज के जेड को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू वाई, उनका स्क्वायर लिया फॉर्मूले में किया, इसका एलसीएम लिया, सिंपल कैंसलेशन हो गई ये सारी, ये एक्स स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल हो गया, ऊपर फोर स्क्वायर रूट फोर है तो इससे हमारे पास टू वैल्यू आई है और ये एज इट इज नीचे आ गया। अब इसको अगेन आप इसको ट्रांसफॉर्म कर दें पोलर कोऑर्डिनेट्स में, तो अगेन आर डी थीटा आएगा, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट सर्कल है तो जीरो से टू पाई आ गया, और आर जो है एक रेडियस जेड जीरो है, ठीक है, सॉरी एक जो सर्कल है उसमें आर रेडियस जीरो है और दूसरे में स्क्वायर रूट थ्री, स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर, ठीक है, तो स्क्वायर रूट थ्री आ गया मैक्सिमम आर, और इसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर जब आर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये चीज बन जाती है, बाकी आप इसको इंटीग्रेट कर दें।